इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू द वॉशर्स डंकी धोबी का गधा वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी पस्टॉफी ये एस इसका मतलब होता है का और डंकी गधा इसे डोंकी या डंकी दोनों पढ़ते हैं वंस अपॉन अ टाइम वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है देयर लिव्ड अ धोबी देयर लिव्ड अ धोबी एक धोबी रहता था इन अ विलेज इन विलेज एक गांव में या फिर किसी गांव में किसी गांव में एक धोबी रहता था ही हैड अ डंकी ही हैड अ डंकी उसके पास एक गधा था एंड अ डॉग एंड अ डॉग और एक कुत्ता एज हिज पेट्स एज हिज पेट्स उसके पालतू जानवरों के रूप में यानी पालतू जानवरों के रूप में उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था द डॉग गार्डेड द डॉग वो कुत्ता गार्डेड रखवाली करता था हिज मास्टर्स हाउस

यानी वो धोबी जहां भी जाता था वो गधा उसके साथ ही रहता था द डंकी यूज टू कैरी द डंकी यूज टू कैरी गधा ढोया करता था अ लोड ऑफ क्लोथ्स अ लोड ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का भार लोड ऑफ का मतलब है भार क्लोथ्स कपड़ों का यूज टू कैरी धोया किया करता था द धोबी लव्ड वो धोबी लव्ड प्रेम करता था हिज डॉग हिज डॉग अपने कुत्ते को वेरी मच वेरी मच बहुत ज्यादा एंड और द डॉग द डॉग वो कुत्ता वेन एवर ही सौ वेन एवर जब भी ही सौ वह देखता था हिज मास्टर हिज मास्टर अपने मालिक को वुड बार्क वुड बार्क भोंकता था अ लिटिल लिटिल थोड़ा सा एंड वैग हिज टेल एंड वैग और हिलाता था हिज टेल अपनी पूछ जब भी वो अपने मालिक को देखता था थोड़ा सा भोंकता था और अपनी पूछ हिलाता था वैग का मतलब होता है पूछ हिलाना टेल का मतलब भी पूछ ही वुड रेज ही वुड रेज वह उठाता था हिज फ्रंट लेग्स हिज फ्रंट लेग्स अपने आगे के पांव को एंड पुट देम एंड पुट देम और उन्हें रख देता था ऑन द चेस्ट ऑन द चेस्ट सीने पर ऑफ हिज मास्टर ऑफ ज मास्टर अपने मालिक के धोबी वुड पैट धोबी वुड पैट धोबी थपथपाता था पैट का मतलब होता है थपथपाना हिज डॉग हिज डॉग अपने कुत्ते को इन रिटर्न इन रिटर्न इसके बदले में फॉर हिज लविंग for फॉर हिज लविंग उसके प्यार भरे व्यवहार के लविंग जिस्टर का मतलब है प्यार भरा व्यवहार दिस मेड दिस मेड इससे हो जाता था द डंकी द डंकी, वो गधा जीलस ईर्ष्या भरा इससे वो गधा ईर्ष्या भरा हो जाता था यानी वो उससे जलने लगता था ही कस्ड ही कस्ड वह श्राप देता था हिज इल फेट अपने बुरी किस्मत को इल फेट का मतलब है बुरी किस्मत कस्ड श्राप देता था या फिर कोसता था वॉट अ बैड लक वॉट अ बैड लक कैसी बुरी किस्मत आईव आई आईव ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है तो इसे हम पूरा पढ़ेंगे वॉट अ बैड लक आई हैव मेरी कितनी बुरी किस्मत है माई मास्टर माई मास्टर मेरा मालिक डज नॉट लव मी ड नॉट ये डस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजेंट है लव मी मुझे प्रेम नहीं करता है इंस्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर इन स्पाइट ऑफ माई हार्ड लेबर मेरे कठिन परिश्रम के बावजूद भी इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद माई हार्ड लेबर मेरे कठिन परिश्रम के नाव अब आई मस्ट डू आई मस्ट डू मुझे भी करना होगा वट दिस डॉग डज वॉट दिस डॉग डज जो ये कुत्ता करता है टू प्लीज माई मास्टर टू प्लीज खुश करने के लिए माई मास्टर माई मास्टर अपने मालिक को अपने मालिक को खुश करने के लिए मुझे भी वही करना होगा जो ये कुत्ता करता है सो so, इस तरह द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट टाइम अगली बार वेन ही सो वेन ही सौ जब उसने देखा ज मास्टर हिज मास्टर अपने मालिक को कमिंग आते हुए ही रैन टुअर्ड्स हिम ही रैन टूअर्ड्स हिम वह उसकी ओर दौड़ा टूअर्ड्स का मतलब होता है की ओर रैन दौड़ा हिम उसकी ही ब्रेड ही ब्रेड वह राभा गधे की बोली को राभना कहते हैं तो ब्रे का मतलब होता है राभना ही ब्रेड वह राभा अ लिटिल आ लिटिल थोड़ा सा एंड ट्राइड एंड ट्राइड और कोशिश की टू वैग हिज टेल टू वैग हिज टेल अपनी पूछ को हिलाने की ही रेस्ड ही रेस्ड उसने उठाया हिज फ्रंट लेग्स हिज फ्रंट लेग्स अपने आगे के पांव को एंड पुट एंड पुट और रख दिया देम उन्हें और उन्हें रख दिया ऑन हिज मास्टर्स बॉडी ऑन ज मास्टर्स बॉडी अपने मालिक के शरीर पर द धोबी गॉट फ्राइटेंट द धोबी वो धोबी गॉट फ्राइटेंड वो धोबी घबरा गया टू सी टू सी देख करके हिज डंकी अब नॉर्मल बिहेवियर हिज डंकीज़ अपने गधे का अब नॉर्मल बिहेवियर असामान्य व्यवहार अब नॉर्मल का मतलब होता है असामान्य बिहेवियर व्यवहार ही सॉट ही सॉट उसने सोचा दैट की द डंकी माइट हैव गॉन क्रेजी द डंकी ये गधा Might have gone crazy, पागल हो गया होगा माइट हैव गॉन क्रेजी का मतलब है पागल हो गया होगा क्रेजी का मतलब होता है पागल सो so, इस तरह ही पिग्ड अप ही पिग्ड अप उसने उठा लिया आ लाठी आ लाठी एक लाठी एंड बीट अप द डंकी एंड बीट अप द डंकी और उस गधे को पीटा टिल इट फेल टिल इट फेल जब तक कि यह गिर नहीं गया ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड जमीन पर जब तक कि यह जमीन पर गिर नहीं गया उसका मालिक उसे लाठी से पीटता रहा उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में